नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेनिला आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक कप दूध लिया है, एक कप व्हिपिंग क्रीम, आधा कप मिल्क मेड, चार बड़े चम्मच दूध पाउडर और वेनिला एसेंस। अब हम एक गंजी लेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसमें दूध पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से विस्कर से मिला लेंगे। अब हम दूध को गर्म करेंगे और चम्मच चलाते हुए इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। दूध में उबाल आ रहा है, अब हम इसमें लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए, अब दूध हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। देखिए, हमें क्रीम को इस प्रकार सॉफ्ट पीक आते तक के फेंटना था। देखिए, हमने क्रीम को सॉफ्ट पीक आते तक के फेंट लिया है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये मिल्क में अच्छी तरह से मिल ना जाए। देखिए, हमने यहाँ शक्कर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मिल्क मेड, क्रीम और दूध पाउडर में पहले से ही शक्कर है। देखिए, मिल्क मेड अच्छी तरह से मिल चुका है और दूध भी अब ठंडा हो चुका है। देखिए, पहला वाला बाउल छोटा लगा, इसलिए मैं बड़ी गंजी ले रही हूँ और अब ये क्रीम उसमें डाल रही हूँ ताकि क्रीम अच्छी तरह से फिट आ जाए। अब हम इसे फेंट लेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है, हमें 2 से 3 मिनट तक फेंटना है ताकि दूध अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, दूध अच्छी तरह से मिल चुका है और क्रीम फिट कर तैयार है। अब हम स्पैचुला की सहायता से इसके किनारे की क्रीम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। आइसक्रीम सेट करने के लिए मैंने यहाँ स्टील का डब्बा लिया है। चाहे तो आप प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं या कांच का बाउल भी ले सकते हैं। अब मैं डब्बे को टैप टैप कर लूँगी ताकि इसके पूरे एयर बबल निकल जाए। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दूँगी। देखिए, आइसक्रीम सेट हो चुकी है, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। देखिए, आइसक्रीम कितनी अच्छे से सेट हुई है। अब मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए, इस कूपर से मैं आइसक्रीम निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए, बनी है ना मार्केट जैसी आइसक्रीम, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है।
देखिए आइसक्रीम बनकर तैयार है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।